अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉपिंग गस्टो। आज आप लोगों को मेकअप का प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ और मेकअप का हॉल है मेरा आज का नायका का। एंड मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं और आई वांट टू शेयर दैट विथ यू। और मेकअप के प्रोडक्ट्स में आपको मैं फाउंडेशन दिखाऊंगी, आईलाइनर दिखाऊंगी और हेयर ऑयल दिखाऊंगी, तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा। फाउंडेशन एंड आईलाइनर खरीदा है, अभी आपके सामने ही उसको अप्लाई करूंगी क्योंकि मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, बस एक मॉइस्चराइजर लगाकर और थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगाकर मैं आई हूँ। एंड सो आई विल जस्ट डू एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर मेरे चैनल को आप ऑलरेडी देखते हैं एंड मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, देन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। अब मूव करते हैं अपने हॉल की तरफ। सो द फर्स्ट आइटम दैट आई वॉन्ट टू शो यू इज़ हेयर ऑयल दैट आई हैव गॉट। दिस इज़ दिस हेयर ऑयल विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड विश केयर और मैंने ये नायका से ही ख़रीदा है। मैंने इसकी पैकेजिंग अभी तक खोली नहीं है, मुझे अप्लाई करना था बट मैंने इसको खोला नहीं क्योंकि मुझे सब चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल मैं सोचती हूँ पैकेजिंग वैसी ही रहे तो बेटर है, सो दैट यू कैन सी कि आता कैसे है। सो ये एक हेयर ऑयल है, आप देखिए इस तरह से आता है। विश केयर का नाम आपने सुना होगा, विश केयर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये मुझे इस तरह की बॉटल मिली है। तो मैं अभी आपके सामने इसको ओपन करती हूँ। तो ये जो बॉटल है ओके एप्लीकेटर के साथ मिला है ये। सो दिस इज़ 100% प्योर ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस्ड बाय विश केयर और दिस इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी फॉर हेल्दी हेयर एंड स्किन। एंड मेरा हेयर ऑयल ख़त्म हो चुका था सो आई यूजुअली लाइक ऑलिव ऑयल। मैं फिगारो यूज़ करती हूँ, अदरवाइज हमदर्द का रोगन बादाम आलमंड ऑयल जो मिलता है वो यूज़ करती हूँ, बट कंपैरेटिवली बताऊँ तो मुझे ज़्यादा ऑलिव ऑयल फिगारो पसंद आता है अपने हेयर पे बिकॉज इट मेक्स माई हेयर सॉफ्ट और मुझे उसको अप्लाई करने के बाद हेयर फॉल में कमी भी महसूस होती है। सो बट मैंने अभी रिसेंटली ये वाला ख़रीदा है, सो दिस इज़ आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई कि ये कैसा होता है। सो आई नेवर यूज्ड इट बट आई विल श्योरली टेल यू हाउ इट इज़ आफ्टर अप्लाइंग इट। और इसकी इसको देख के आई कैन फील दैट इट्स अ गुड वन। और इस तरह का बॉटल है और इस पर जो भी लिखा है, दिस इज़ 200 ml का बॉटल है ये एंड दिस इज़ लाइक मिनरल ऑयल फ्री है ये एंड 100% नेचुरल है एंड नॉन GMO में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का इसको स्टैम्प भी मिला है। इट इज़ सेइंग दैट डिस्पेंस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन योर पाम्स एंड मसाज इट इनटू योर क्लीन हेयर। तो ये आपको ऐसे करके ये रिमूव करके यू हैव टू पुट दिस, ऐसे आपको लगा लेना है और फिर इससे आपको यस सी ओके। सो यहाँ पे आपको दिखा कि ये ड्रॉप आया मेरे हाथ में ओके। सो ये आप अदरवाइज़ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन योर रूट्स, ये इसीलिए मिलता है सो दैट यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर रूट्स। तो ये दिस इज़ रियली गुड कि एप्लीकेटर दिया है साथ में, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है सो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एप्लीकेटर। बट डोंट फॉरगेट टू रिमूव दिस एंड पुट द कैप बैक ऑन बिकॉज फिर से अदरवाइज एप्लीकेटर से यू नो ऑयल बाहर आ सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो नो फ्रेग्रेंस, ऑलिव ऑयल जैसा होता है बिल्कुल प्योर लग रहा है, जैसे मुझे फिगारो का स्मेल लगता है एंड नॉट वेरी चिपचिपा, नॉट स्टिकी, आई कैन फील दैट इट्स अ गुड वन। हेयर पे अभी अप्लाई नहीं कर सकती, मेरा हेयर क्लीन है और मैंने शैम्पू किया हुआ है बट ऑब्वियसली आई विल श्योरली गिव यू अ फीडबैक आफ्टर सम टाइम ऑफ यूज़ और मैं आपको बताऊँ कि इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट आज आपको इतना बता सकती हूँ कि फिगारो ऑलिव ऑयल इज़ रियली गुड। वो कैन मिलता है वो ग्रीन कलर का, वो फिगारो दैट इज़ रियली गुड। इसकी MRP है 400 rupees और ये वाला मुझे मिला था नायका पे काफ़ी अच्छे प्राइस में, मुझे मिला था, ये मिला फॉर 279 rupees। सो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली गो एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। अब चलते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ जो कि मैंने लिया है एक
फाउंडेशन है जो मैंने लिया है. सो आई वॉज लुकिंग फॉर गुड फाउंडेशंस और मुझे काफ़ी टाइम से मैंने कुछ मेरा आपको वो वीडियो पता नहीं याद होगा या नहीं, अदरवाइज़ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. मैंने कुछ दिन पहले मतलब एक दो महीने पहले मैंने डाला था वीडियो जिसमें मैंने नायका से ख़रीदा था एक फाउंडेशन, ऐसे शेड में ख़रीदा था वो फाउंडेशन जो कि मुझे सूट नहीं किया उतना ज़्यादा. सैंड कलर का था, वार्म सैंड कलर का फाउंडेशन था. सो आई गॉट लाइक नायका स्किन जीनियस हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. द फाउंडेशन का टेक्सचर तो काफ़ी अच्छा था, इट वॉज हाइड्रेटिंग एज वेल. अभी एक पार्टी आने वाली है सो आई वॉन्टेड अनदर फाउंडेशन. तो मैंने रिमल लंडन का फाउंडेशन ट्राई किया है इस बार. सो दिस इज द फाउंडेशन दैट आई हैव गॉट, दिस इज रिमल लंडन फाउंडेशन. सो इट सेज दैट इट इज अ मैच परफेक्शन. सो द कवरेज इज ऑलमोस्ट इनविजिबल बट योर स्किन विल लुक लाइक इट्स फुली परफेक्ट. किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन लगा रखा है. दिस इज़ व्हाट इट क्लेम्स कि आपको बिल्कुल आपके स्किन को बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा एंड इट विल जस्ट गेट अब्सॉर्ब्ड इन योर स्किन एंड इट विल बी वेरी लाइक इनविजिबल कवरेज देगा एंड शीयर कवरेज होगा इसका एंड यू कैन जस्ट योर स्किन कैन लुक थ्रू एंड यू विल फील दैट इट इज़ लाइक योर स्किन इज़ लाइक स्पॉट फ्री एंड वेरी हाइड्रेटेड. सो अभी मैं आप भी ट्राई करके दिखाती हूँ. इसमें SPF 20 भी है एंड ये आपका 30 ml का बॉटल है. दिस इज़ 30 ml बॉटल एंड दिस इज़ अ ग्लास बॉटल और ये वाला इसका MRP है लाइक ₹699 एंड ये वाला मुझे मिला था ₹629 का. आई एम इन द शेड फेयर पॉर्सिलेन दैट इज 001. ओके सो मुझे वहाँ पे एक लाइट पॉर्सिलेन भी था जो कि उस वक्त ₹350 का मिल रहा था. 50% ऑफ था या देयर वाज समथिंग आई डोंट नो, या 50% ऑफ चल रहा था तो 350 का था वो शेड एंड इट जस्ट क्विकली गॉट आउट ऑफ स्टॉक. बिल्कुल इससे ही थोड़ा सा 19-20 का शेड है. सो आई वॉन्टेड टू बाई दैट, मैंने कार्ट में रखा हुआ था. जस्ट आई वॉज अ डे लेट और मुझे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया. देन आई टू गेट दिस ₹629 का मिला. सो आपको ज़रूर मैं इसका लिंक दूंगी, आप वो लाइट पॉर्सिलेन भी चेक कर लेना. अगर वो मिलता है तो आप वो खरीदो क्योंकि वो आपको कम में मिल जा रहा है. सो दिस कम्स विद अ पंप, सो दिस इज़ अ गुड थिंग. तो ये पंप के साथ आता है. देन आई शो यू हाउ टू अप्लाई दिस. सो ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है. सो आई जस्ट टेक लाइक दिस मच और एक पंप में इतना निकला एंड देन आई कैन थिंक टू पंप्स आर फाइन. इतना लेते हैं, इसको अपने स्किन पे अप्लाई दिस. फ्रेगरेंस इज़ रियली स्वीट, बहुत प्यारा फ्रेगरेंस है इसका. ज़्यादातर फाउंडेशन का ऐसा फ्रेगरेंस होता नहीं है कि चलेगा. सो आई हैव गॉट दिस ब्रश एंड आई विल जस्ट ब्लेंड इट विद दिस ब्लर ब्रश. मैंने ये लेंस लगा के रखा हुआ है जो कि मैंने अपने वीडियो में दिखाया है. ये लेंस जो मैंने ख़रीदा है अभी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वो वीडियो भी देख लेना. इट इज़ ब्लेंडिंग सो ईजली ऑन माई स्किन और बहुत देखिए मैंने सारा ब्लेंड कर लिया अपने स्किन पे. काफ़ी सही है, बिल्कुल अच्छा मेरे स्किन टोन के लिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे. काफ़ी अच्छा है, पास से देखते हैं कि थोड़ा सा ग्लोई है, ऐसा ग्लो सा लग रहा है स्किन पे. ओवर हियर यू कैन सी एंड लेट्स सी हाउ इट सेटल डाउन. कुछ टाइम के बाद देख के पता चलेगा कि कैसे सेटल डाउन होता है, केकी लुक देता है या नहीं. एंड हियर सो दीज प्लेसेस आई कैन सी दैट इट इज़ रियली गुड. मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक इट. सो अगर आप लोग फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं जो आपको मिड रेंज का चाहिए तो दिस इज़ रियली गुड, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस. और मुझे एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग इट. मैंने जब ख़रीदा था तो लेट मी टेल यू, ऐसे ही मिला था, ऐसा नहीं था इसके ऊपर कोई डब्बा था. इस तरह से सील होके आया ना इसमें, उसी तरह से ये भी आया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. बाकी ऐसे खोल के सिंपल ऐसे ही था. सो ये मैंने एक बार यूज़ किया है एंड लेट मी टेल यू, उसके बाद मुझे एक्ने नहीं आया, वरना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू यू. आज मैंने मतलब कैमरे के सामने अच्छे से बैठ के अप्लाई किया है तो मुझे आज ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है कि दिस फाउंडेशन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. सो दिस इज़ द सेकेंड आइटम दैट आई वॉन्टेड टू शो. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ जो कि मैंने ख़रीदा है एक आई लाइनर एंड दिस आइकॉनिक आई लाइनर लैक्मे का. एंड ये वाले के बारे में ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग यूज़ भी करते होंगे, बट जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया उन लोगों को बता दूं कि आईलाइनर कैसा है. सो दिस इज़ फॉर ₹250 और ये वाला मुझे 4.5 ml है एंड
मुझे इसका जो एप्लीकेशन है काफ़ी स्मूथ लगा, इस तरह का आएगा। ओके सो आई गॉट दिस फॉर 250 रुपीज़ ओनली। सो लेट मी ओपन दिस एंड मैं पहली बार मतलब कि ऐसे करके कैमरे के पास अप्लाई करूँगी। सो कुछ हो तो पर देखिए, जस्ट लुक एट द एप्लीकेटर, इस तरह का है। दिस इज सो नाइस पॉइंटेड एंड लुक एट दिस। ओके इट्स वेरी डार्क, एकदम डार्क सी लाइन बन जाती है। आई एम सॉरी आई जस्ट कैन नॉट अप्लाई लाइक दिस, मुझे मिरर चाहिए। सो जस्ट लुक एट दिस, थोड़ा सा डर्टी अप्लाई हो गया है एंड्स में, इस वजह से मैं मेकअप का व्लॉग्स नहीं बनाती, आप समझ जाइए कि मैं क्यों नहीं बनाती। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, जस्ट लुक एट दिस। बहुत ईजिली ऐसे करके मैं मोबाइल में फ्रंट कैमरा से देख के लगा रही हूँ, अगर मैंने मिरर में ठीक से देख के पास से लगाती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, मतलब कि बेटर होता। सो ये देखिए इस तरह से है, कितना अच्छा डार्क लुक है, बिल्कुल एक ग्लाइड में अच्छे से बन गया। सो मैं दूसरे आँख का भी करके आती हूँ। सो आई एम बैक और मैंने लगा लिया है दोनों आँखों में, और ये वाला भी मैंने मोबाइल में देख के लगाया है क्योंकि मेरा माइक्रोफोन्स लगा है, अभी मुझे उठ के जाने के लिए ये निकालना पड़ता। मैं उठ ही रही थी बट देन आई थॉट कि ओ ये सब इतना सारा काम है और फिर मैं लेजी भी तू हूँ इसकी तरह, मेरे पांडा की तरह। आपने पांडा का वीडियो भी नहीं अगर देखा है तो वो भी देख लीजिए, उसका भी मैंने बनाया है। और मैंने इसका जिस दिन वीडियो दिखाया था, इसके साथ जो मैंने एक टेडी बेयर दिखाया था उसका रिप्लेसमेंट है ये, इसको देख लीजिए, मैंने बनाया है इसका वीडियो, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सी द वीडियोज ऑफ माई लेंसेज दैट आई एम वेयरिंग, दिस ब्यूटिफुल कलर लेंसेज, कौन सा कलर है और कहाँ से लिया है, इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को देख लीजिए और ये वाला भी देख लीजिए। ये था मेरा नाइका का सारा आइटम्स जो मुझे आज आपको दिखाना था। मैंने ये जो आपको लगाया था, दिस इज़ फुल्ली वाटर प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ, बहुत जल्दी ये सूख जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर से रिमूव नहीं होगा जल्दी ईजिली। तो मैंने रिमूव करके ट्राई किया है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस, कि गुड थिंग एज वेल एज अ बैड थिंग, आपको मेकअप रिमूवर भी लेना पड़ेगा बट दिस इज़ रियली 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 ट्रांसफर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ एज वेल। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई कॉस्मेटिक्स में, होपफुली आपको पसंद आई होंगी एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे सेफ एंड वेयर योर मास्क एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।